नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो माता पिता का गौरव होती हैं, घर की रौनक होती हैं। बेटी के जन्म का कोई परिवार बोझ ना समझे और बेटी की शादी पर कोई माँ बाप खुद को बेसहारा नहीं माने, इसलिए महिला मंडल जन सेवा समिति की एक अनोखी पहल की है। संस्था के सदस्यों ने जहां बेटी की गोद भराई की, वहीं सहयोग संस्था ने कपड़े, श्रृंगार का सामान, नकदी आदि सामान देकर बेटी की शादी में मदद किया। दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ऐसी सोच रखने वाली महिला मंडल जनसेवा समिति ने डीएवी स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार, जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनकी बेटी सोनी की शादी 9 मई को है। वे अपनी बेटी की शादी नगर से सटे भोरनाथ मंदिर में कर रहे थे। इस महंगाई के दौर में खर्च को लेकर बहुत परेशान थे। लड़की की दादी लोगों के घरों में काम करती थी। उसने संस्था की मंत्री सोनल श्रीवास्तव से मदद मांगी। इसके बाद संस्था के सदस्यों ने बेटी सोनी की गोद भराई संस्था की सभी बहनों ने मिलकर किया। सबके सहयोग स्वरूप दर्जनों साड़ियां, सूट, लड़के का कपड़ा, डिनर सेट, टी सेट, कैसरोल सेट, श्रृंगार का बहुत सारा सामान, चप्पल, पायल, बिछुआ, आटा, दाल, नमक, मसाले के साथ साथ सभी ने रुपए से भी मदद किया। वही ममता गुप्ता ने बेटी को चुनरी उठाकर तिलक लगाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से प्रकाश, वायु आदि समर्पित करती है, तो हमें भी निस्वार्थ भाव से जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। सचिव पूनम सिंह ने कहा कि हम बच्ची की मदद करते हुए परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, वह हमें देने के काबिल बनाया। संस्था की अध्यक्ष मधुमिता बनर्जी ने बताया कि उनकी संस्था को जैसे ही यह जानकारी मिली कि बेटी की शादी है, तो वे संस्था के अन्य सभी सदस्यों से चर्चा की, जिसके बाद बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए संस्था ने सामान उपहार, नकदी, भोजन के सामान उपलब्ध कराया। वहीं बेटी की दादी ने बताया कि पोती की शादी 9 मई को है, बारात गोरखपुर से आ रही है। संस्था की तरफ से मेरी पोती की गोद भराई की रस्म पूरी की गई, हम लोगों को बहुत खुशी है। ये लड़की काशीराम आवास में रहती है और 9 मई को इसकी शादी है, और हम लोगों ने उपहार स्वरूप जो है डिनर सेट, बर्तन का डिनर सेट है, कैसरोल है, साड़ियाँ हैं, 15-20 साड़ियाँ हो गई हैं, 4-5 हज़ार रुपये भी हो गए हैं, और मेकअप का सामान, कोई भी ज़रूरत की चीज़ें कोई ऐसी नहीं रह गई हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने आटा, चावल, दाल भी उसके बारातियों को खिलाने का इंतजाम किया है, और भी बोला है कि और कुछ रह गया हो तो आप हमें बताइए, कल तक वो भी हम लोग पहुँचा देंगे। क्या जानकारी हुई इस लड़की के बारे में आपको? उसके बारे में जानकारी ऐसे कि हमारी संस्था के जो मंत्री पद पे हैं सोनल जी, उनके यहाँ वो आई और उनसे मदद मांगी। सोनल जी ने हमसे कहा तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक अकेला आदमी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, और मिल के अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उसकी भरपूर मदद हो जाएगी। लड़की कहाँ की रहने वाली और परिवार में कौन कौन है? ये काशीराम आवास में रहती है, उसकी सौतेली माँ है, बाप है, दादी है और सौतेले भाई बहन है। क्या बोझ नहीं उठा पा रहे? नहीं, शादी की उम्र हो गई है उसकी, तो शादी तो करना ही। अच्छा, नहीं, बहुत ही मतलब गरीब है, किसी तरह परिवार का पेट चला रहे हैं वो, तो शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं और इतनी महंगाई है कि तो कौन सी रस्म यहाँ पे अदा की गई है? यहाँ पे गोद भराई की रस्म हम लोगों ने किया है, और एक एक गिफ्ट सारे लोग गिफ्ट लेके आए हैं, जैसे हम लोग अपनी बेटियों का भी करते हैं गोद भराई, और हम लोग के बेटियों को भी सारे लोग गिफ्ट लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सक्षम है तो भी हम लोग भी तो करते हैं। ऐसा है, हमारी महिला मंडल आजमगढ़ समय समय पर ज़रूरतमंदों की सेवा करती है, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के उनको सहायता किया जाता है। तो आज हमको पता चला कि एक गरीब लड़की है जिसके परिवार में उसके पिता हैं जो शायद रिक्शा चलाते हैं, और बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको उनकी बेटी की शादी है तो कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि बारातियों को खिलाने के लिए भी उनके पास मतलब सामान नहीं है कि वो ठीक से उनकी स्वागत कर सके। तो हमारी महिला मंडल को पता चला तो सारी बहनों ने मिलकर हम लोगों ने तय किया इस बच्ची का हेल्प किया जाए और इसकी शादी में जो जितना जिस तरह से हेल्प कर सकता है वो करें।
जी क्या संदेश देना चाहते हैं आजमगढ़ वालों को? मैं आजमगढ़ वालों से समझना चाहती हूँ कि ऐसे आप लोग देखिए जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करिए, आगे आइए, आप सबसे निवेदन है सब लोग आगे आइए, जो जिस तरह से हेल्प कर सकता है वो करे, चावल दीजिए, आटा दीजिए, दाल दीजिए, कुछ भी करिए, कपड़े दीजिए, इन बच्चियों की शादी रुकनी नहीं चाहिए। तो पैसे से अगर आप कुछ नहीं दे पा रहे, आप जितना सामर्थ्य आप पैसा ही दीजिए। ये यहाँ पे आपका गोद भराई की हम लोग रस्म निभाए हैं और इतनी हम सब महिलाओं ने माँ के रूप में उसको आशीर्वाद दिया है और इतनी माँओं का उसको आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है उसका आगे का जीवन बहुत सुखमय होगा। बहुत मदद की है, साड़ी दिए हैं और कपड़ा दिए हैं, जो है तो राशन पानी दिए हैं, बहुत मदद कर दिया गरीब आदमी को। बहुत कैसे इनके पास आ पाई कि जो है कि मदद? अब दीदी हमारी थी, उनके यहाँ काम करते हैं, तो वो बोली हैं कि हम मदद करा देंगे आप। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।